भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक सिक्किम देश के उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य है। यह लगभग 7096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंगूठे के आकार का यह राज्य जो है वो पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है और इस राज्य की राजधानी गंगटोक है। आज की इस वीडियो में हम सिक्किम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्किम सन 1975 में जो है एक भारतीय राज्य बना। यह राज्य छोटे आकार के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिक्किम की 11 आधिकारिक भाषाएं हैं, साथ ही कंचनजंगा भी जो है वो यहीं पर मौजूद है, जो कि भारत में सबसे ऊंची और पृथ्वी पर तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और आप कंचनजंगा का नजारा जो है वो सिक्किम की राजधानी गंगटोक से देख सकते हैं। इस राज्य में 28 पर्वत चोटियां, 80 से अधिक हिमनद, 227 झीलें, 5 गर्म झरने और 100 से अधिक जो है वो नदियां हैं। और यहां तक कि फूलों की वैरायटीज भी जो है वो 600 से ज्यादा तरह की पाई जाती हैं, जिस कारण यहाँ पर जो है वो हर साल मार्च से मई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और वैसे तो यहाँ के नागरिक भारत के सभी मुख्य त्योहार जैसे दीपावली और दशहरा मनाते हैं, पर लेकिन तिब्बती नववर्ष लोसर जो कि दिसंबर के मध्य में आता है, इसके दौरान जो है वो यहाँ पर अधिकतर सरकारी कार्यालय और पर्यटक केंद्र जो है वो हफ्ते भर के लिए बंद रहते हैं। सिक्किम जो है वो साफ सफाई के लिए भी जाना जाता है। 2010-2011 में जो है वो सिक्किम को भारत सरकार की तरफ से सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड भी मिल चुका है। और वैसे तो यहाँ हजारों मंदिर मठ हैं, परंतु यहाँ पर जो है वो एक इंसान की भी पूजा होती है, जिनका नाम है बाबा हरभजन। बाबा हरभजन को नाथुला के हीरो के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने एक युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाकर चीनियों को रोके रखा और काफी सैनिकों की जान बचाई थी। और सिक्किम जो है वो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे की देखरेख एक अलग ही मंत्रालय करती है। लगभग 200 धार्मिक स्थलों के रखरखाव का जिम्मा जो है वो इसी मंत्रालय पर है। और सिक्किम के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।